एक ही दिशा में लगन से जुटे रहना सफलता की गारंटी नहीं है, परंतु लगन और प्रयोगशीलता के समन्वय से सफलता की गारंटी मिल जाती है। मैंने हाल ही में तेल खोजने की प्रक्रिया के बारे में एक लेख पढ़ा। इसमें लिखा गया था कि तेल का कुआं खोदने से पहले तेल कंपनियां चट्टानों का सर्वे करती हैं, परंतु उनके वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद भी 8 में से 7 कुएँ सूखे निकलते हैं। तेल कंपनियां अपने तेल की खोज में तो लगनशील रहती हैं, परंतु वे एक ही कुएं को मूर्खतापूर्ण गहराई तक खोदने में नहीं जुटी रहती। इसके बजाय जब कॉमन सेंस से वे ये जान लेती हैं कि पुराने कुएं से तेल नहीं निकलेगा, तो वे एक नए कुएं को खोदने का प्रयोग करने लगती हैं। कई महत्वाकांक्षी लोग जीवन में प्रशंसनीय लगनशीलता और महत्वाकांक्षा के साथ जिंदगी भर जुटे रहते हैं, परंतु वे कभी इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें प्रयोगशीलता नहीं होती। वे नई शैलियों का प्रयोग नहीं कर पाते। अपने लक्ष्यों को बनाए रखें, इसे एक इंच भी इधर उधर ना होने दें, परंतु अपने सिर को किसी दीवार से भी ना फोड़ें। अगर आपको परिणाम नहीं मिलते हैं तो किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। जिन लोगों में बुलडॉग जैसी लगनशीलता होती है, जो एक बार किसी चीज़ को पकड़ लेने पर उसे नहीं छोड़ते हैं, उनमें सफलता का एक मूलभूत तत्व होता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनसे आप प्रयोगशीलता सीख सकते हैं और लगनशीलता के साथ इसके समन्वय के साथ आप आसानी से सफल हो सकते हैं। 1, खुद को बताएं कोई तरीका है। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे ही आप खुद को बताते हैं, मैं हार गया हूँ, मैं इस समस्या से नहीं जीत सकता, आप नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं और इनमें से प्रत्येक विचार आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सही हैं, कि आप वास्तव में हार चुके हैं। इसके बजाय यह विश्वास करें, इस समस्या को सुलझाने का कोई तो रास्ता होगा, और तत्काल आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे जिससे आपकी समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी। कोई ना कोई तरीका तो है। यह सोचना, यह विश्वास करना सचमुच महत्वपूर्ण है। विवाह परामर्शदाता भी विवाह को नहीं बचा सकते जब तक कि एक या दोनों जीवन साथी यह न सोचे कि एक बार फिर साथ रहना संभव है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि कोई शराबी तब तक शराबी ही बना रहेगा जब तक कि उसे यह यकीन न हो जाए कि वह शराब की आदत को छोड़ सकता है। इस साल हजारों नई कंपनियां बनेंगी, 5 साल बाद इनमें से बहुत कम कंपनियां ही बची रह पाएंगी। असफल होने वाली ज़्यादातर कंपनियां यही कहेंगी, प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास छोड़ देने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। असली समस्या यह है कि जब ज़्यादातर लोगों के सामने मुश्किलें या बाधाएं आती हैं, तो वे केवल पराजय के बारे में ही सोचते हैं और इसी कारण वे हार जाते हैं। जब आप मानते हैं कि कोई ना कोई तरीका तो होगा, तो आप अपने आप नकारात्मक ऊर्जा, चलिए हम छोड़ देते हैं, हम हार मान लेते हैं, को सकारात्मक ऊर्जा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जुटे रहना चाहिए में बदल लेते हैं। कोई भी समस्या या मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसी लगेगी जब आप इसे पहाड़ जैसा समझेंगे। अगर आप मानते हैं कि यह नहीं सुलझ सकती, तो यह सचमुच नहीं सुलझेगी। यह विश्वास रखें कि यह सुलझ सकती है, और इसके बाद आपके मन में इसके समाधान अपने आप आने लगेंगे। यह असंभव है, ऐसा कभी ना सोचें, न ही कहें। 2, पीछे हटें और फिर से शुरू करें। अक्सर हम इतने लंबे समय तक किसी समस्या के इतने करीब रहते हैं कि हम नए समाधान या नए शैलियों को नहीं देख पाते। मेरे एक इंजीनियर दोस्त को एक नई एल्यूमिनियम इमारत की डिज़ाइन बनाने का काम मिला। इस तरह की कोई चीज़ या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ या उसकी डिज़ाइन अब तक किसी ने नहीं बनाई थी। मैं इस दोस्त से कुछ दिन पहले मिला। मैंने उससे पूछा कि उसकी नई बिल्डिंग का क्या हाल है। बहुत अच्छा नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैंने इन गर्मियों में अपने बगीचे में पर्याप्त समय नहीं दिया है। जब मैं लंबे समय तक डिज़ाइनिंग की कठिन समस्याओं में उलझा रहता हूँ, तो मुझे इससे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ही मेरे मन में नए विचार आते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उसने आगे कहा, कई इंजीनियरिंग के विचार तो मेरे मन में तब आते हैं जब मैं पेड़ के करीब बैठकर घास पर पानी डाल रहा होता हूँ। राष्ट्रपति आइजनहावर ने एक बार किसी पत्रकार वार्ता में उनसे पूछा गया था कि वे इतनी छुट्टियां क्यों मनाते हैं। इसका जवाब, उन लोगों के पास बहुत काम का है जो अपनी रचनात्मक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं। आइजनहावर ने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जनरल मोटर चला रहा हो या देश,
अपनी मेज पर बैठकर या ढेर सारे कागजों के बीच मुंह छिपाकर अपने काम को अच्छी तरह से कर सकता है। वास्तव में प्रेसिडेंट को अपना दिमाग फालतू की चीज़ों से मुक्त रखना चाहिए। उसे मूलभूत सिद्धांतों और मुख्य मुद्दों पर अपना खुद का चिंतन करते रहना चाहिए ताकि वे स्पष्ट सोच सके और बेहतर निर्णय ले सके। मेरा एक भूतपूर्व बिजनेस सहयोगी अपनी पत्नी के साथ हर महीने 72 घंटे की छुट्टियां मनाने शहर से बाहर जाता है। उसका मानना है कि इस तरह पीछे हटने और नए सिरे से शुरू करने से उसकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है और वह अपने ग्राहकों को अधिक लाभ पहुँचा पाता है। जब आपकी राह में बाधा है तो पूरे प्रोजेक्ट को कूड़ेदान में ना डाल दें, इसके बजाय पीछे हटें, मानसिक रूप से खुद को तरोताज़ा कर लें, संगीत सुनें या टहलें या झपकी ले लें। इसके बाद जब आप इस समस्या का सामना करेंगे तो आपको कुछ सोचने से पहले ही आपके सामने इसका समाधान अपने आप आ जाएगा। बड़ी परिस्थितियों में भी अच्छे पहलू को देखना लाभदायक होता है। एक युवक ने मुझे बताया कि जब उसकी नौकरी छूटी तो उसने अच्छे पहलू को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बताया, मैं एक बड़ी क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनी के लिए काम कर रहा था। एक दिन मुझे नौकरी से हटाए जाने का नोटिस थमा दिया गया। मंदी का दौर चल रहा था और कंपनी उन कर्मचारियों को हटा रही थी जो उसके लिए कम महत्वपूर्ण थे। नौकरी में मुझे तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, परंतु फिर भी मेरे हिसाब से यह अच्छी थी। मुझे कई घंटे तक तो बहुत बुरा लगा, परंतु फिर मैंने यह फैसला किया कि मैं इस बारे में सकारात्मक तरीके से सोचूंगा। दरअसल मुझे यह नौकरी खास पसंद नहीं थी और अगर मैं यहीं बना रहता तो मैं ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता था। अब मैं ऐसा कोई नौकरी ढूंढ सकता था जो मुझे पसंद हो। जल्दी मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई और अच्छी बात तो यह है कि यहाँ मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा थी। क्रेडिट कंपनी से निकला जाना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। याद रखें, आप किसी भी परिस्थिति में वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें और हार को जीत में बदल लें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा काम करेंगी। अच्छे पहलू को देखें और अपनी हार को जीत में बदल लें। संक्षेप में, सफलता और असफलता में फर्क इस बात का होता है कि असफलता बाधा, निराशाजनक स्थितियाँ और हतोत्साहित करने वाली बातों के प्रति आपका रवैया क्या है। हार को जीत में बदलने के लिए यह 5 सिद्धांत काम में लाएं। नंबर 1, असफलता का अध्ययन करें ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। जब आप हारें तो उस हार से सबक सीखें और फिर अगली बार जीतने की तैयारी करें। नंबर 2, अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियों और कमजोरियां खोजें, फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। नंबर 3, किस्मत को दोष देना बंद कर दें। हर असफलता का विश्लेषण करें या पता लगाएं कि गलती कहाँ हुई थी। याद रखें, तकदीर को दोष देने से कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ वह पहुँचना चाहता था। नंबर 4, लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, परंतु पत्थर की दीवार से अपना सिर न टकराते रहें। नई शैलियों का प्रयोग करें, प्रयोगशील बनें। जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं उसके लिए आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, यदि आप उस पर हार रहे हैं तो आप अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज करके अपने उसी लक्ष्य पर पहुँचने की कोशिश करें। याद रखिए, एक ही लक्ष्य पर पहुँचने के लिए कई रास्ते होते हैं। नंबर 5, याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है। इसे खोजें, अच्छे पहलू को देखें और आप एक बार फिर उत्साह से भर जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। इसे नेक्स्ट चैप्टर को सुनने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें, 12A। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, 12A में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमसे इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।